हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ की अब हमारी जो फिफ्थ सीरीज है लाइव स्ट्रीमिंग सुपर फिफ्टी बैच टेस्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन फिफ्टी क्वेश्चन जिसमें रहते ही हैं हमारे तो आज फिर से मैं आपके सामने आया हूँ तो अपने 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 तैयार हो जाइए ओके द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज़ लक्ष्मी बाई नेक्स्ट इंस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर इस्टेब्लिस्ड तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है सबको बताइएगा फोर टू फाइव सेकेंड देखिए आपको मिलेंगे इसका अटैम्प्ट करने के लिए और उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा नाइनटीन फिफ्टी सेवन इसका राइट आंसर है जो ग्वालियर में स्थित है एल एन सी पी उस वो फिफ्टी सेवन में बना था विच वन विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट अ स्कीम प्रोग्राम बाय साइन फॉर स्पोर्टिंग टैलेंट ओके द राइट आंसर इज एच डी एफ आई साई जो है आपका एच एफ आई नहीं करता बाकी सारे करता है व्हाट डज टाइम टेबल इंडिकेट्स वट डज टाइम टेबल इंडिकेट्स टाइम टेबल क्या इंडिकेट करता है लोड ऑफ वर्क टीचर्स ओनली वर्किंग आवर्स ऑफ स्कूल लोकेशन ऑफ क्लास और टीचर एट पर्टिकुलर टाइम या ऑल ऑफ तो इसका राइट right आंसर यही होगा कि सब कुछ ये इंडिकेट करता है ऑल ऑफ दी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर राइट आंसर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाईएमसी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज वाई एम सी कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है तो चेन्नई चेन्नई में है ये नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द इसका फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन होल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है होल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है तो इज द राइट आंसर द बॉडी विच कंट्रोल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम्स इज आई ओ ए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है हमारी राइट आंसर होगी नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स फॉर हेल्ड इन द ईयर इसका क्वेश्चन का सबको आंसर पता ही होगा एटीन नाइनटी सिक्स एथ एंसर में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज़ आई ओ ए फॉम्ड उन्नीस सौ सत्ताईस में ये बनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स अवार्डेड राइट आंसर सिटी ओ ये अवार्ड होती है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन ब्लड ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है हीमोग्लोबिन में? 98 रहता है। कॉन्फ्रेंसेज आर मीड फॉर कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है तो मल्टीपल रेगरेट ग्रुप डिस्कशन एंड शो केजिंग न्यूज ऑल ऑफ दे राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेकिया स्प्लिट्स इंटू टू ब्रांची द राइट ब्रांच डिडाइड्स अगेन इंटू जो ट्रेकिया है टू ब्रांची में डिवाइड होती है और राइट राइट ब्रांची जो है वो अगेन थ्री ब्रांचेस में डिवाइड होती है सी इज द राइट आंसर ब्रीदिंग सेंटर इज लोकेटेड इन डीज राइट आंसर मेडुलरंगठा जो हमारा ब्रीदिंग सेंटर है उसको मेडुलर बलंगटा कहा जाता है व्हाट इज द्लीट एक्सरसाइज ऑफ मसल ग्लाइकोजन आफ्टर एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज करी ली की हमने और उसके बाद ग्लाइकोजन हमारा चला गया उसके बाद वापस वापसाइज रिस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा बारह घंटे चौबीस घंटे अड़तालीस या बहत्तर तो सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फोर ओलंपिक वर हेल्ड इन जो दो तो हजार चार को ओलंपिक तक कहाँ हुआ था तो राइट आंसर एटलांटा सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीज फॉर विच द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड चार हज़ार सोलह दिन तक आपका जो ओलंपिक है चल सकता है द टर्न मैराथन इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन प्लेस फूट रेस और कैट रेस मैराथन का नाम कैसे पड़ा तो ये प्लेस के नाम पर पड़ा था एक हार्ट रेट इज डिफाइंड एज देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हार्ट रेट वही होती है इसमें नंबर ऑफ हार्ट रेट हार्ट कंस्ट्रैक्शन पर मिनट हमारा हार्ट कितनी बार एक मिनट में धड़क रहा है वो देखना होता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टूअर्ड्स जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्केलेटल मसल की तरफ ज्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ए टी पी इज स्टोर देखिए ये यहाँ पे पहल, और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है ए टी पी मसल में हमारा स्टोर रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसम्फर्ट ऑफ डिक्रीज एफिशंसी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज एक्सरसाइज इज नॉन एज अगर हमने बहुत ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज कर ली है तो वो जो एक्सरसाइज हमारी फटीक के अंदर आ जाएगी विच मसल कॉन्ट्रैक्ट ओनली वैन स्टमेटेड बाई नर्वस सिस्टम कौन सी कौन सी मसल कौन सा मसल ऐसी है जो नर्वस सिस्टम के स्टूमेट होने पे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो स्केलेटल मसल होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस विच रिड्यूस सर्विस इन टू अवॉइड द कोलैप्स तो पी इज द राइट आंसर इसका ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा वट इज द एवरेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अवर लंग्स सेवेंटी फाइव मीट स्क्वायर मीटर का ये जो है हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा लंग्स का विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द ओलंपिक मूवमेंट विद इन ईच कंट्री तो आई ओ सी हमारा जो होता है वो ईच ओलंपिक का मूवमेंट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द क्रोनोलॉजिकल एज तो एज इज इन ईयर्स मंथ और डे इसे बोलते हैं और किसी को देखने की जरूरत नहीं है आपको द ग्रोथ ऑफ़ फीमेल्स इज मोर रैपिड दैन देरह से उन्नीस साल की उम्र में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा तेजी से बढ़ती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज तो इंजरीज बेनिफिट नहीं है एक्सरसाइज का ये तो और लॉस है विच इवेंट फॉर द फर्स्ट एंड द ओरिजिनल तो राइट आंसर इज फोटरेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूल यूज बाय बॉडी वाई डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सीवर इंटेंसिटीज तो सीवर इंटेंसिटीज हम एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपका यूज होता है डेफिशंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है ओके फॉल्टी बोन डेवलपमेंट अमोंग चिल्ड्रन कॉज ड्यू टू बोन okay, डेवलपमेंट अगर नहीं होता है तो रिकेट्स उसको कहा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड विटामिनी हमारे एजेंशियल विटामिन है जो रिक्वायर्ड होते हैं ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कीप नील्स ब्रेन एंड हेयर हेल्थी सो सल्फर इज द राइट आंसर बी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ डॉप तो डॉग की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है तो एर्गोरिजिटिक एड है जो यहाँ पर डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि तो एड में हम विटामिन वगैरह और मिनरल्स वगैरह अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज वन शुड डिपेंड्स ऑन अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरीज है इसको तो करेक्टिव एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी दोनों पर

वॉन्ट डायरेक्ट देखिए आप कोई चोट खुली है तो डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे तो वैसे ही आपका ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इन टेनिस टेनिस में जो फ्रैक्चर है वो फोर आर्म में ज्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हेयरलाइन फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज तो हेयरलाइन फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एंड जॉइंट इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस तो बी इज द राइट आंसर तो इसका बी नहीं होगा इसका कार्टी होगा ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम इन एवरेज एडल्ट तो यहाँ पर सेवेंटी एम एल होता है ए हो जाएगा इसका राइट आंसर व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ठीक है ब्लड का ब्लड सर्कुलेशन का वो हार्ट ए हार्ट के बाद

मसाज से वो कम की जा सकती है स्पोर्ट्स इंजरीज जो हैं इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएट विद जो नी की इंजरी है वो हमारे फुटबॉल में ज्यादा होती है शोल्डर डिसलोकेशन इंजरी आर कॉमनली एसोसिएट विद तो देखिए मैंने पहले ही बताया था जो वॉलीबॉल होता है उसमें स्मैश करते हैं हम स्मैश में करते समय आपका शोल्डर से पूरी पावर लगती है तो वहाँ पर डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो वॉलीबॉल इज़ द राइट आंसर तो ये थे हमारे आज के फिफ्ट फिफ्टी क्वेश्चन अगर आ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें ताकि हम आगे भी ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू लाते रहें थैंक यू थैंक यू सो मच